ब्रांड है, ये ऐसा 235 मशीन है, ठीक है। इस मशीन में प्रॉब्लम हुआ, वो क्या प्रॉब्लम है आप देखा था, इधर देखो कैली उठाएगा अभी, ठीक है, ये देखो उधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, नजदीक में आ जाओ, देखो अभी आपने देखा कैली उठाया, लेकिन कैली कितना भी लेबर दबाएगा देखो कैली और नहीं मतलब नीचे में नहीं आएगा, ठीक है, नजदीक आ जाओ। तो हमने लेबर से कैली उठा तो दिया, लेकिन कैली और डाउन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या कारण हो सकता है, रीजन क्या है? कैली तो उठा दिया, आप लोग सोच सकता है तो ऊपर का जो लिमिट स्विच रहता है उसमें टास हो गया क्या, जो भी है उसके लिए डाउन नहीं हो रहा है, देखो वो भी एक दिखाता देता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिमिट जो है ना, लिमिट को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना, ये लिमिट स्विच का कटआउट है, यानी ये बाईपास है, ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया तो भी देखो ये डाउन नहीं होगा कैली, देखो कितना भी डाउन करेगा मतलब कितना भी लेबर दबाएगा, कितना भी लेबर दबाएगा तो भी कैली डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर आओ, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले क्या देखना है, इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे ये क्या चीज है मालूम है, ये मेन विंग्स का लोड कैपेसिटी है, ठीक है, कितना टॉन्स लोड आ रहा है मतलब कैली में या बोरिंग में कितना टॉन्स लोड आ रहा है उसका कैपेसिटी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखो 0.1 मतलब आम केली हिलाएगा तो इसमें ज्यादा देखो 0 हो रहा है मतलब कुछ मूवमेंट नहीं है। ये केली का वेट होता है मतलब 235 में जो इंटरलॉकिंग केली है उसका वेट है 11 टन, ठीक है, 11 टन उसका वेट 11 टन है, लेकिन इसमें देखो 0.1 दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आने से आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है या कुछ वेट दिखा रहा है, वेट दिखाएगा तो सब ठीक है काम करेगा, वेट नहीं दिखा रहा है इसका मतलब क्या है मालूम है, मेन पुली, जो मेन पुली होता है ना केली का, जो मेन पुली उसका मेन पुली का एक पिन रहेगा, आपका स्क्रीन के ऊपर देख सकता है, मैं एक फोटो दिया, ये है मेन पुली का पिन है भाई, ये ओनली एक पिन नहीं है, ये पिन के साथ सेंसर सिस्टम है, ठीक है, ये जो पिन है इसे कहते हैं लोड सेंसर, इसके साथ में सेंसर मतलब पूरा जो पिन है ना, पिन का अंदर में सेंसर फिट किया हुआ है, तो ये सेंसर का प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम होता है। हमने मास्ट को फोल्ड कर दिया, आप मेन पुली का पिन के पास जाके आप लोगों को दिखाता हूँ वो पिन कैसे काम करता है, क्या सेंसर है क्या नहीं है। चलो उधर ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर देखा आप लोग दिखा दो, आ जाओ, तो फ्रेंड यहाँ पर देखो ये मेन पुली है, ठीक है, ये मेन रोप का मेन पुली है, और मेन पुली का ये जो मेन पिन है ये देखो, इधर आओ थोड़ा दिखाओ, एक ये जो देखो ये वाला जो है ना ये ग्रीसिंग का पाइप है, ठीक है, अंदर में ग्रीस जाता है, और इसमें एक केबल लगा हुआ है देखो ये, ठीक है, ये जो कि यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है ऐसा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, केबल कनेक्टिंग वगैरह सब कुछ सही है। तो ये पिन का सेंसर अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड ये जो लोड सेंसर है ये सही है या खराब है आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ठीक है, हम इसमें चेक करेंगे मेन सप्लाई यानी पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नजदीक में आ जाओ। तो यहाँ पे देखो कनेक्टर रहेगा है ना, तो यहाँ पे देखो ये कनेक्टर जो केबल है ये केबल पिन में चला गया यानी सेंसर में, सेंसर का केबल है ये, ठीक है, तो यहाँ से निकाल देंगे, निकाल के ये देखो 3 पॉइंट रहेगा, तो इसमें मल्टीमीटर से चेक करना है पावर सप्लाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये लगा दिया मल्टीमीटर, ये माइनस है और ये दोनों में से देखना पड़ेगा, मतलब इसके साथ दोनों में चेक करना है पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इसमें भी 24 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी देखो 24 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा कनेक्टर वगैरह जो है ना पावर सप्लाई जो है पावर सप्लाई बराबर सप्लाई आ रहा है, तो उसके मतलब क्या हुआ, ये जो सेंसर है सेंसर का प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो ये हम कनेक्टर लगा देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कभी भी कोई भी मशीन में आ सकता है, ये मशीन में अभी दूसरे बार ये प्रॉब्लम्स है, मतलब पहले एक बार ये प्रॉब्लम हो चुका है, इसके लिए हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी अच्छे से पता है, और ये पिन मैंने खुद चेंज किया था, उसका फोटो आपका स्क्रीन में पहले भी दिखा दिया, फिर से मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ, देखो मैं खुद ये पिन को चेंज किया था लास्ट टाइम में, इसका ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो इसका एक ही सोल्यूशन है पिन को नया पिन ला के फिर बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेंसर का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ये 5 लाख का ऊपर है, अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, ये ऑर्डर करना पड़ेगा कंपनी से, ऑर्डर करके लेके आके उसके बाद फिट करना पड़ेगा, फिट करने के बाद एक और मतलब इसका जो रेडी करेगा ना उसका एक वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम आप अगर ऑपरेटर हो आपका मशीन में भी आ सकता है, और अभी ऐसा सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है, इधर देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको सिंपली ऑप्शन में जाके रोप स्लग्स, यहाँ पे देख सकता है रोप स्लग्स जो ऑप्शन है
इसको ऑप्शन को एक्टिव करेगा तो कैली अप एंड डाउन होगा, सब कुछ होगा। इधर देखो, अभी इधर देखो, इधर दबा रहा है और उधर देखो कैली, ठीक है, देखो उठाएगा उतारेगा उठाएगा उतारेगा। लेकिन ये रोप स्लैश को ऑन करके काम करना थोड़ा सा मतलब रिक्स होता है। रिक्स मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। ये रोप स्लैश ऑन करके काम करना है तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, हर टाइम मेन विंग्स में फॉलो करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर यानी केली को ज्यादा आरिया कर देगा तो रोप ज्यादा लूज हो जाएगा, रोप बिखर जाएगा, उलट पलट हो जाएगा, रोप भी डैमेज हो सकता है। तो रोप स्लैश ऑन करके अगर काम करना है तो कभी भी ड्राम में यानी मेन विंग्स में फॉलो करके काम करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं बता देता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो। और एक चीज है, अगर मतलब नया हो आप तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। आगे में इसका जब रिपेयर करेगा ना, मतलब वो जो पिन है, पिन हम अभी ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद जब आएगा, आने के बाद वो पिन को चेंज करके कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका भी एक वीडियो बना के मैं शेयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर हमारा पेज में या चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को, ताकि आपका दूसरा कोई फ्रेंड अगर कोई ऑपरेटर वगैरह है उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही है। भाई लोग सब लोग मिलके थोड़ा हाय हेलो बोल दो, सब लोग मिलके बोलो हाय, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बोलो सब लोगों को बोलो।